आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा पुलिस को बीती देर रात मुखबिर से मिली सूचना के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो अलग अलग स्थान पर एक साथ की गई रेड कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप और तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने में फरार रहा, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव को मुखबिर से सूचना मिली कि नशीले कफ सिरप की बड़ी खेप मनगवा थाना क्षेत्र में उतरी जानी है, जिसके बाद डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर एसडीओपी मनगवा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम सहित थाना प्रभारी बैकुंठपुर, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, महिला थाना प्रभारी मनगवा और बिछिया थाना प्रभारी सहित मनिकवार चौकी प्रभारी की अलग अलग टीमें गठित की गई। इन टीमों ने सबसे पहले मनिकवार चौकी क्षेत्र के तमहा गांव निवासी संजू सिंह के घर में दबिश दी, जहां से तकरीबन 32 पेटी नशीली कप सिरप जब्त की गई है। वहीं संजू सिंह पुलिस के आने की भनक लगते ही फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा इसी दौरान मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम कुया में नहर के किनारे एक कंटेनर ट्रक को पकड़ा है, जिसकी ली गई तलाशी के दौरान तकरीबन 64 पेटी नशीली कप सिरप जब्त की गई है। एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर मनगवा पुलिस ने तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा नशीली कफ सिरप के कारोबारी को पूरी रात दबिश देकर उठाया है, जिसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वहीं मनगवा थाने में 64 पेटी जबकि मनिकवार पुलिस चौकी में 32 पेटी नशीली कफ सिरप की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि मामले में महिला को भी आरोपी बनाया गया है, फिलहाल कार्रवाई जारी है।